पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे, उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर तीन चार महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश ने सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने करके दिखाएंगे। हर तीन महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम जहां छोड़ के गए थे वहां तो लाकर के रख दो, वहां तो लाकर के रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, को वोट दे, अब की बार सरकार। जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।